अपने अभिनव भाई के साथ काफी अच्छा लगा मुझे मिलकर के। और इनका बैग भी मैंने टांगा, इनका बैग दे देता हूँ। पब्लिक रिएक्शन दबा के मिल रहा है यहाँ तुम्हारे हाथ में। जब तुम्हारे हाथ में गोरिल्ला पाउडर रहेगा तो पब्लिक रिएक्शन दबा के। यहाँ पे देखो भाई, ये है अपना खाना, जरा इसमें आप स्पून फेर के दिखा दोगे एक बार। ये दाल है, ये है दाल, देखो दोस्तों, ये देखो पानी है सारा। एंड और क्या है अपने पास? ये मटर पनीर की सब्जी थी, मटर पनीर की सब्जी थी। हाँ, पता नहीं चल रहा कि कहाँ है मटर, कहाँ है पनीर। और ये, और ये आलू की सब्जी है। इस पे भी गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो AS Vlogs के एक नए ब्लॉग के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कैसे हम लोग, वो देखो हैशटैग छपरी। तो आपने देखा था लास्ट ब्लॉग में हम लोग कैसे आए थे चंडीगढ़ से कश्मीरी गेट तक न्यू दिल्ली के, और वहां से मेरे को मेरा छपरी दोस्त लेने आया। सॉरी नहीं, छपरी नहीं, मेरा प्यारा भाई, मेरा अभी ने क्या नाम, अभिनव झा को मेरा नाम है, भगवान को मेरा नाम था, याद नहीं है, 1.5 साल हो गया दोस्ती को, इनको मेरा नाम अभिनव झा मेरे को लेने आए थे, तो मैंने आपको दिखाया। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। और आज का व्लॉग रहने वाला है भाई हमारा होशियारपुर से चंडीगढ़, दिल्ली से चंडीगढ़ होशियारपुर एक्सप्रेस में। काफी सेकंड एसी में मैंने इनकी बुकिंग कराया कि भाई एसी कोच में जाओ, थोड़ी नॉइज वगैरह कम आएगी उसमें। बुकिंग का टोटल कॉस्ट अगर बताएं तो 3,000 आया है। नहीं ब्रो, वो आया है कुछ 890 रुपए लगा है, और टोटल मिला के मुझे लग गए हैं 1680 रुपये। एंड तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन, और आपको स्टेशन पे ही मिलेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की इस ब्लॉग। मेरी शक्ल पे मत जाना, दिल का बहुत अच्छा। तो दोस्तों चलते हैं अभी, ये जो है बाइक पीछे, मतलब एक्टिवा पीछे करेगा, देन अभी यहाँ से निकलते हैं। तो ये रहे हमारे दोस्त जो कि बर्गमैन को अभी पीछे कर रहे हैं। लेट्स गो, छपरी हरकतें हैं। हम लोग बैठ चुके हैं बर्गमैन पे, तो चलिए चलते हैं जल्दी से। लेट्स गो। दिल्ली की गलियों में दो लड़के छपरी बना दिखाते हुए अब राइट। अब ये छपरी अपने जब छपरी अपने छपरी मोड में आता है, पूरी छपरीबाजी हो रही है इस व्लॉग में। दोस्तों हमारे गेस्ट को हम छोड़ने आ चुके हैं, मैं इनको यहीं तक ड्रॉप करने आया था। ये जगह हम खड़े हैं निर्माण विहार में। हाँ, और अब इनके जाने का वक्त आ चुका है 2-4 घंटे के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे, देखते हैं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा लंबे समय के लिए रहेंगे। अभी आपने देखा वो मेट्रो जा रहा था। तो दोस्तों अभी मैं इनके घर यहीं तक आया था, तो अभी जो है ड्रॉप कर देता हूँ, अभी जाएंगे स्टेशन और मैं चलता हूँ घर। अपने अभिनव भाई के साथ काफी अच्छा लगा मुझे मिलकर के। और इनका बैग भी मैंने टांगा, इनका बैग दे देता हूँ। पब्लिक रिएक्शन दबा के मिल रहा है जब तुम्हारे हाथ में, जब तुम्हारे हाथ में गोरिल्ला पाउडर रहेगा तो पब्लिक रिएक्शन दबा के। एंड यहाँ से देखो लो भाई बैग टांगो, तो चलो बैग ले लेते हैं, छपरी पना जल्दी ही हो गए आप लोगों से, और छपरी पना पूरा करते हैं अपना। तब तक के लिए सी यू गाइस। तो अभी हमें जल्दी से ऑटो पकड़ना है और हमें जाना है स्टेशन की तरफ। हाँ, पुरानी दिल्ली जाओगे अंकल? हाँ चलो, रेलवे स्टेशन जाना पुरानी दिल्ली की। 150 रुपये, चलो जल्दी। 150 रुपया देगा। तो दोस्तों ये अपना ऑटो, ये अपने अंकल जी, ये हमको लेने लेकर के जाने वाले हैं रेलवे स्टेशन तक। और पब्लिक रिएक्शन की बात करी जाए तो दबाव मिल रहा है। चलो चलते हैं। और भी ना भाई, बहुत बढ़िया लगा मिलके आपसे, बोलेंगे जल्दी। तो हम लोग आ चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और भाई मैं एकदम भाग कर आया हूँ, आप तो देख सकते हो मेरे को कितना ज़्यादा पसीना भी आ रहा है। और हमारी ट्रेन भी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लगी हुई है, होशियारपुर एक्सप्रेस, ठीक है, ICF कोच इसके साथ ये गाड़ी है। और मेरा जो कोच है वो है HA2 और सीट नंबर है 6T।
मतलब कि 6th सीट नंबर मिली है। और इस ट्रेन की कोच की बात करूँ तो ये है अपनी ICF ब्लू एंड साथ में उत्कृष्ट वाले कोचेस लगे हुए हैं। और चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा लोकोमोटिव भी दिखा देता हूँ कौन सा है। लोकोमोटिव की बात करूँ, लोकोमोटिव हमको मिला है गाजियाबाद का WAP-5। तो ये है गाजियाबाद का WAP-5 एंड यही ट्रेन का इंजन जो है हमें खींच करके लेकर के जाने वाला है चंडीगढ़ तक। ठीक है, पुरानी दिल्ली से हमारा डिपार्चर होगा कुछ 6:30 बजे। सो दोस्तों, पुरानी दिल्ली से पूरे 6:30 बजे हमारा ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। एंड अभी आप देख सकते हो बाहर जो है अंधेरा होना शुरू हो गया। बाहर दिखाने के लिए कुछ है नहीं, दिन के सफ़र होता तो मैं आपको पूरा सब कुछ दिखाता क्या है क्या नहीं। और अभी हम जो है दिल्ली के आउटर में हैं और अभी ट्रेन जो है धीरे धीरे ही चल रही है। और अब इसका जो पहला स्टेशन आएगा वो आएगा अपना पानीपत जंक्शन, तो मैं आपको सीधा पानीपत में ही मिलूँगा। तो मेरी सीट जो है वो ये है, जैसे कि आप ऊपर वाली सीट जो है अपर बर्थ है, यहाँ पे है क्या कहते हैं पिलो है, देन ये सीट एंड ब्लैंकेट्स आपको मैं दिखाऊँ तो ये दे रखे हैं। एंड नीचे वाली सीट किसी और हो गई, देन यहाँ पे एसी जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाइट वगैरह सब चल रही है, कर्टन्स सिक्योरिटी के लिए है। मेरी है ये वाली सीट अपर बर्थ, देख सकते हो। देन यहाँ पे एसी वेंट्स हैं, देन यहाँ पे दो लोग जो है अब अपनी सीट्स कवर करना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे सब सोने की तैयारी या फिर बैठने की तैयारियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, सब लोग जो है बैठ चुके हैं आराम से और अपना एंजॉय करना शुरू हो गए हैं। एंड जो एसी है जो काफ़ी मस्त चल रहा है यार, ठंडी अभी से फील हो रही है पूरी। दोस्तों यहाँ पे मैं लेट चुका हूँ क्योंकि यार थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, दैट्स वाई अभी यहाँ पर लेट कर और थोड़ा सा आराम करेंगे। मज़ा काफ़ी आ रहा है क्योंकि, और मैं आपको दिखाऊँ तो उधर देखिए यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये है रीडिंग लाइट्स। तो अभी मुझे जरूरत तो नहीं है रीडिंग लाइट्स की क्योंकि मैं कुछ पढ़ने वाला तो हूँ नहीं यहाँ पे। दोस्तों पुरानी दिल्ली से कुछ 43 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं सोनीपत जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का कोई भी स्टॉपेज नहीं है, लेकिन हमारी ट्रेन को फिर भी सिग्नल जो है रेड ही दिया गया है, पता नहीं क्यों। देख सकते हो आप, हर जगह जो है सिग्नल रेड ही दिया हुआ है, तो पता नहीं क्या कोई ओवरटेक लगेगा या फिर कुछ और होगा, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। क्योंकि अभी हमारे पीछे जो है ना कालका शताब्दी आ रही है, शायद से उसको ओवरटेक दिया जा सकता है। दोस्तों आपने देखा अभी हमारी ट्रेन को एक ट्रेन ने ओवरटेक करा पूरी स्पीड में, कम से कम 130 की रफ्तार में थी वो गाड़ी। बट अभी एक और ट्रेन आने वाली है जो कि है कालका शताब्दी, वो भी हमारे को ओवरटेक करेगी। और देख सकते हो शताब्दी क्रॉस कर रहा है। ओवरटेक कर रहा है हमारे को यहाँ से, एंड सामने से एक और ट्रेन आ रहा है जो कि WAP-4 के साथ है। एंड ये कौन सा ट्रेन है, चंडीगढ़ लखनऊ प्रयागराज एक्सप्रेस, उचहार एक्सप्रेस ये मुझे जहां तक लग रहा है ये। देन दोस्तों देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे दो ट्रेनों को ओवरटेक देने के बाद, एक तो हमारी कालका शताब्दी एक्सप्रेस और दूसरी वो बहुत स्पीड में निकल गई, मैं उसको अच्छे से कैप्चर भी नहीं कर पाया। दोनों को ओवरटेक देने के बाद
अब हमारी ट्रेन यहाँ से कर रही है डिपार्ट सोनीपत जंक्शन से, कुछ आधा घंटे से ज़्यादा रुकी है। पुरानी दिल्ली से कुछ 88 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अब हम लोग पहुंचे हैं अपना पानीपत जंक्शन। एंड इसको जंक्शन क्यों कहा जाता है मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आ रही है अपनी पुरानी मतलब न्यू दिल्ली से, और दूसरी लाइन आ रही है अपनी अम्बाला वाली और चंडीगढ़ वाली लाइन। दैन एक लाइन यहाँ से जाती है अपनी रोहतक की तरफ और एक लाइन जा रही है अपनी जींद। तो दोस्तों दैट्स वाई इसको हम यहाँ पे कहते हैं जंक्शन। और एक से 2 मिनट का यहाँ पे वेटिंग टाइम है हमारी ट्रेन का। अब यहाँ से हो रहा है डिपार्चर। दोस्तों अभी हम लोग पानीपत से कर चुके हैं डिपार्ट, एंड कुछ दिखाने के लिए है नहीं, अंधेरा हो रहा है बिल्कुल। तो बस यहाँ से थोड़ा सा एक्सेलेशन को देखो, और ये जा रहा है अपना ऊपर हाईवे कह सकते हो, जो कि रोहतक वाला हाईवे है। एंड वाह, एक रियल रेल फैन ही महसूस कर सकता है। वाह क्या ट्रैक साउंड आ रहे हैं ट्रैक चेंजिंग के। होशियारपुर एक्सप्रेस में ट्रेन जर्नी चल रही है। ट्रेन जर्नी काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छी कंफर्टेबल है, और एसी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने मजबूरी में, भूख लग रही है लोगों को यार, तो उन्होंने ऑर्डर किया खाना। तो ये भाई ज़रा बताओगे मेरे को अपने ऑर्डर कहाँ से किया खाना? केटरिंग सर्विस थी यहाँ पे। केटरिंग सर्विस, हाँ। तो उन्होंने 150 रुपये में थाली दी, वेज थाली, और कहा था कि बहुत अच्छा खाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब खाना मिला तो देख लीजिए खाने की हाल। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ खाने का क्वालिटी कैसा है, तो भाई खुद ही बताएंगे ये, ठीक है? तो यहाँ पे देखो भाई, ये है अपना खाना। जरा इसमें आप स्पून फेर के दिखा दोगे एक बार? ये दाल है, ये है दाल, देखो दोस्तों, देख लीजिए। ये देखो पानी है सारा। एंड और क्या है अपने पास? और ये मटर पनीर की सब्जी थी। मटर पनीर की सब्जी थी, हाँ। पता नहीं चल रहा कि कहाँ है मटर, कहाँ है पनीर। और ये? और ये आलू की सब्जी है। इस पे भी आ जरा वो करके दिखा दो। ये तो खाने लायक नहीं है, खाने लायक नहीं है। वो देख लीजिए कहाँ पे पूरा फैला हुआ है। और राइस की क्वालिटी? बस राइस मिला जुला के इन सब में ठीक है। एंड व्हाट अबाउट स्वीट डिश? स्वीट डिश बहुत ज्यादा मीठा है, और मैं इतना मीठा नहीं खा सकता। तो ओवरऑल खाने लायक नहीं। ओवरऑल रिव्यू क्या दोगे 10 में से? बिल्कुल 3/3। अगर आपको बहुत भूख लगी है तभी लो, वरना मत लो। तो आपने भी ली थी सर थाली? हाँ मैंने भी खाई। तो कैसी लगी आपको थाली? जीने के लिए तो खाना पड़े यार। नहीं वो तो है, लेकिन रेल है, रेल जो
दावा करती है कि बहुत अच्छा गुणवत्ता युक्त देंगे, हालांकि साफ सफाई सब अच्छी है, मगर खाने के जो क्वालिटियाँ मिल रही है यहाँ पर रेलवे में वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, इसलिए रेलवे को चाहिए कि इससे पर ध्यान दें। इस ट्रेन में ना पेंट्री नहीं है, पेंट्री नहीं है, साइड पेंट्री है, बट जो भी हो मगर यात्रा लंबी यात्रा कर रहे हैं तो आवश्यक चीज़ है, खाना का वक्त चलेगा तो ये तो है। तो भूख तो मेरे को भी लग रही है, ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि थाली लूँ, लेकिन अब जो मेरे को रिव्यूज़ मिल रहे हैं ना वो सोच के मैंने ये डिसीज़न लिया है कि भाई भूखे ही ठीक है, ठीक है, भूखे ही हम ठीक हैं। और मैंने सोचा है कि क्यों ना अब चंडीगढ़ में ही जाके IRCTC की पेंट्री में खाना खाया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है लाख गुना अच्छा खाना मिल जाएगा और फ्रेश भी मिलेगा। तो मैं नहीं खाने वाला ये थाली, ठीक है, और वैसे भी रेलवे की थाली 80 रुपये की होती है, 150 रुपये की कौन देता है ये नहीं मुझे पता लग रहा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं तो नहीं लेने वाला, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, एज योर विश। पुरानी दिल्ली से कुछ 122 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अब हम पहुंचे हैं करनाल। जी हाँ दोस्तों, करनाल तो आपको पता ही है क्यों फेमस है भाई, कर्ण की नगरी करनाल को कहा जाता है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का जो वेटिंग टाइम है सिर्फ 1 से 2 मिनट का है, और वहाँ पे जो है एक ट्रेन आ रही है, मैं आपको दिखाऊँ तो उस साइड से, तो मैं आपको जरा दिखाता हूँ क्रॉसिंग और फिर जो है डिपार्चर होगा। Web 7 के साथ कोई शताब्दी एक्सप्रेस लग रही है यार ये तो। कौन सी शताब्दी है यार, विश शताब्दी एक्सप्रेस, जरा कमेंट्स में बताइए मेरे को। Acceleration of web P5. दोस्तों यहाँ पे मैंने अम्बालाखंड को जो है स्किप कर दिया है और अब हम लोग सीधा अराइव कर रहे हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इसका स्टॉप जो है 10 मिनट का रहता है और ये फिर आगे जो है जाती है होशियारपुर तक। आगे इसको डीजल लोकोमोटिव मिलेगा लुधियाना से। और अम्बाला को मैंने स्किप क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार दिखा दिया है अम्बालाखंड पुरानी वीडियोज़ में। दोस्तों पुरानी दिल्ली से 242 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद फाइनली अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है चंडीगढ़ जंक्शन पे। ये हमारा लास्ट स्टॉप था, ये ट्रेन जाएगी भाई अपनी होशियारपुर तक वाया लुधियाना होती हुई। और फाइनली दोस्तों अब मैं चंडीगढ़ स्टेशन से बाहर आ चुका हूँ और आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।